So hello dear, good morning. This is me Javed Akhtar and today I am going to start new chapter of class 2. That is where we live and what we wear. Okay, जहाँ हम लोग रहते हैं और क्या हम लोग पहनते हैं. That things we have to study in this chapter. Okay ना. So let's start. So dear, अब हम अपने chapter पे आ चुके हैं और आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट में हम अपने घरों के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे. तो चलिए देख लेते हैं. अ हाउस शुड बी गुड टू लीव इन. जो हाउस होता है ना, जो हम लोग का घर होता है, वो एकदम अच्छा होना चाहिए जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है. अच्छा होना चाहिए जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है. अच्छा का मतलब ये नहीं कि एकदम बड़ा सा घर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा का मतलब हम बता रहे हैं आगे क्या होना चाहिए. अ हाउस में भी बिग और स्मॉल. हाउस क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये तो आपको पता है. बट इट विल बी गुड टू लिव इन, लेकिन ये अच्छा होना चाहिए इसमें अगर हम लोग रहेंगे तो, ठीक है. ओनली इफ़ इट इज़ क्लीन, गेट्स फ्रेश एयर, प्रॉपर सनलाइट एंड फ्री ऑफ जर्म्स. देखो, इसका कहने का मतलब है कि आपका घर जो है, बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है. आपका घर पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है. आपके घरों में फ्रेश एयर एंटर होना चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए, ठीक है. गंदा एयर आना नहीं चाहिए, ठीक है. और सनलाइट, सन का जो लाइट होता है, वो भी प्रॉपर वे से आना चाहिए, ठीक है. और जर्म्स से फ्री होना चाहिए. जर्म्स मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ठीक है, वो उससे बिल्कुल फ्री होना चाहिए. जो घर में, किसी के घर में, बहुत सारे घरों में होते हैं कि जर्म्स वगैरह रहते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं ना. तो जर्म्स से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि गुड हाउस. ओके डियर, गुड हाउस इसी को बोला जाता है. गुड हाउस कहने का मतलब ये नहीं कि आपका घर बहुत बड़ा है, पूरा बिल्डिंग है, तो ये आपका अच्छा घर हुआ, ऐसा कुछ नहीं. अगर बिल्डिंग है आपका घर, पूरी तरह से एकदम चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, तो वो सही नहीं है, ठीक है, वो आपका गुड हाउस में नहीं आता. आपका घर छोटा हो, ठीक है, छोटा हो, तो वही अगर आपका घर पूरी तरह से क्लीन हो, तो क्या है, वो हमारा गुड हाउस है, उसी को हम लोग गुड हाउस, अच्छा हाउस बोलते हैं. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हाउ टू कीप आवर हाउस वेल वेंटिलेटेड. अब हमारा हाउस को किसी तरह कैसे वेल वेंटिलेटेड रखना चाहिए, मतलब कैसे जो वेंटिलेशन होता है ना, जैसे कि ये हमारा रूम है, ठीक है, रूम के यहाँ पे खिड़की होता है, दरवाज़ा होता है, ऊपर में जो छोटा सा होता है ना, इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं, तो हम लोग को कैसे वेल वेंटिलेशन को कैसे वेल रखना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए ताकि हमारा अंदर, घर के अंदर अच्छे से आ सके, ठीक है. वेंटिलेशन किस तरह से विंडोज़ को बनाना चाहिए, किस तरह से दरवाज़ा बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, ठीक है. व्हेन वी बिल्ड अ हाउस, जब हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, देयर शुड बी मेनी डोर, ठीक ना, देयर शुड बी मेनी डोर्स एंड विंडोज़ फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है. वेंटिलेशन कहने का मतलब कि वही वेंटिलेशन नहीं कि ऊपर में रहता, वो तो ऑलरेडी है ही है. वेंटिलेशन कहने का मतलब कि जिससे हमारे घर के अंदर एयर आ सके, ठीक है, सन का लाइट आ सके, ठीक है, इस तरह से. तो ये वेल वेंटिलेटेड होते हैं. जैसे घर बनाते वक्त हम लोग को डोर्स, दरवाज़ा वगैरह जितना पॉसिबल हो उतना देना चाहिए, विंडोज़ जितना पॉसिबल हो उतना देना चाहिए, जहाँ पे मतलब मांग रहा है उतना हम लोग डोर और विंडोज़ बना दें, ठीक है. ये होता है वेल वेंटिलेटेड. तो हम लोग को अपना घर वेल वेंटिलेटेड रहना चाहिए. इससे क्या होता है कि फ्रेश एयर हमारे घर तक आता है, डोर और विंडो से आता है, ठीक है. स्टेल एयर कहने का मतलब कि जो गंदा एयर होता है ना, हमारे घर से बाहर निकलता है, मतलब कि एयर क्या करता है, सर्कुलेट करता है दरवाज़ा से, ठीक है. दरवाज़ा और खिड़की से एयर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, आता है और जाता है. ये आगमन होता है ना, कैसे हम अपने नोज से सांस एक्सचेंज करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी तरह से हमारे घर में अगर अच्छा से डोर और विंडोज़ रहेंगे प्रॉपर वैसे, तो क्या होगा, एयर अच्छे से सर्कुलेट कर पाएगा, एयर फ्रेश एयर आएगा, गंदा एयर बाहर जाएगा, इस तरह से, ठीक है बाबू. डोर एंड विंडोज़ ऑल्सो लेट इन सनलाइट विच किल्स द जर्म्स. देखो, और डोर और विंडोज, सन का जो लाइट आपके घर में आता है ना, जैसे कि सन है, सन का जो लाइट आपके घरों तक आता है, अंदर तक रोशनी आता है, तो उससे क्या होता है कि आपके घर में जो जर्म्स है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो सब क्या होता है कि सन का जो लाइट से, उसका गर्मी से वो मर जाता है, ठीक है. इसलिए सन का लाइट हम लोग को आने देना चाहिए, ठीक है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हाउस फ्री ऑफ जर्म्स. ये हमारी इम्पोर्टेंट है, ये हमारी इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग का घर का जो जर्म्स है, घर में जो जर्म्स रहते हैं, उसको फ्री कर देना चाहिए, ठीक है, किसी तरह से. अगर आपके घर में बहुत, अभी के डेट में क्या होता है कि चारों तरफ घर बना हुआ रहता है, तो सन का लाइट नहीं आ पाता है, तो एक फ्लोर क्लीनर आता है, उससे आप घर को साफ करो, तो जर्म्स वगैरह उससे भी मर जाते हैं. ओके ना. अब देखो, डोर एंड विंडो शुड हैव अ प्रॉपर वाइड नेटिंग. वाइड नेटिंग अलाउ फ्रेश एयर
एंड सनलाइट इन द हाउस एंड कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। देखो यहाँ पर अगर जैसे कि आपके घर में डोर है, ठीक है, डोर हो गया या फिर विंडोज़ हो गए, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे वायर का नेटिंग, ये जो दिख रहा है ना वायर नेटिंग, ठीक है, नेट लगा देना चाहिए, जाला लगा देना चाहिए। बहुत के घरों में लगा हुआ होता है जाला, उससे क्या होता है कि आपके घर में जैसे फ्लाइज मक्खी वगैरह उड़ते रहते हैं, बाहर में मॉस्किटोज़ वगैरह हैं, मच्छर वगैरह, तो अंदर आपके घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे इससे, ठीक है। इससे एयर तो आएगा मगर मक्खी वगैरह और मच्छर वगैरह नहीं घुसेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू कीप आवर हाउस क्लीन। अब हम अपने हाउस को कैसे क्लीन रख सकते हैं, किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं, ठीक है। तो हाउस को क्लीन रखने का बहुत वेज है जिसके जिसके जरिए हम लोग अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं। फर्स्ट में क्या है कि आपके घर में अगर डस्टबिन है तो डस्टबिन हमेशा कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। डस्टबिन क्या होना चाहिए, वी शुड थ्रो गार्बेज ओनली इन अ कवर्ड डस्टबिन। फर्स्ट में तो आपके घर में डस्टबिन है तो डस्टबिन हमेशा क्लोज होना चाहिए, ढक्कन उस पर लगा हुआ होना चाहिए, बिना ढक्कन का डस्टबिन घर में नहीं रखना है, ठीक है। और हम लोग का जो भी कूड़ा कचरा है वो हम लोग को डस्टबिन में डालना चाहिए घर में, ठीक है, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, दिस डस्टबिन शुड बी एम्प्टी एवरी डे। अब ये जो डस्टबिन हो ना, हर एक दिन आप इसको खाली करो, एक दिन पूरा भर जाएगा, भरे या ना भरे उससे कोई मतलब नहीं है, जाकर इसका जो भी कूड़ा कचरा है, गार्बेज में तो कूड़ा कचरा होता है, वो बिल्कुल फेंक दो, ठीक है, एक दिन, हर एक दिन फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें जम्प्स वगैरह नहीं लगेंगे, आपके घर में इधर उधर कोई भी मक्खी वगैरह इस पर बैठेगी नहीं, ठीक ना। मक्खी बैठती है तो फिर खाना पर जाकर बैठती है तो वही गंदगी चला जाता है, उसमें फिर हमारा पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ये सब होता है, ठीक है। वी शुड कीप द ड्रेन कवर टू कीप फ्लाई कॉकरोच एंड मॉस्किटोज अवे। आपके घर के बाहर में ड्रेन रहता है ना, इस तरह से नाला वगैरह बना हुआ रहता है, बहुत के घरों में रहता है या घर के अंदर में भी रहता है, तो क्या होता है कि अगर उसको आप कवर्ड नहीं करोगे, किसी घर में खुला रहता है तो खुला नहीं छोड़ना चाहिए नाला वगैरह, क्या होता है ना कि उसमें कॉकरोच होंगे, मॉस्किटोज होंगे, ठीक है, मक्खी फ्लाइज होंगे, ये सब उड़ते रहती है, तो ये सब गंदगी फैलाएगी हम लोग के घरों तक, ठीक है। तो इस तरह से वेज में हम लोग को अपना घर क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और भी पॉइंट्स होंगे। देखो यहाँ पे ड्रेन वगैरह जो अभी बता रहे थे ना, उसका एक और पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रैट्स एंड माइस, ठीक है, चूहा चूहिया वगैरह जो होते हैं ना, चूहे वगैरह, वो हमारे घरों तक आ जाते हैं, कभी कभी देखते हो ना आपके नाला से घर तक पहुँच जाते हैं। अगर नाला आपका कवर्ड नहीं है तो क्या होगा कि बाहर से वो क्या करते हैं कि आएंगे चूहा अंदर, नाला पकड़ कर, ठीक है, और उसमें फिर अंदर घर में आपका कवर्ड नहीं है तो घर में घुस जाएंगे, और कितना गंदगी होगा, पूरा जो भी गंदगी उसमें होगा सारा पूरा उसमें शरीर में लगा हुआ रहेगा, वो अंदर आएगा फिर चारों तरफ गंदगी फैलाएगा, जम्स हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाता है, डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं हम लोग को, इसलिए हम लोग को हमेशा नाला वगैरह को कवर्ड करना चाहिए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को। वी शुड स्वीप एंड मोप हाउस डेली। हम लोग को घर का जो घर में जो पोछा होता है, पोछा लगाना चाहिए डेली, ठीक है, पोछा या धोना चाहिए डेली उसको अच्छे से, ओके। और बाथरूम के बारे में बोल रहा है कि रूम का जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब समझ, ये वाला फ्लोर इसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लोर हो गया या बाथरूम का फ्लोर या किचन का फ्लोर, इसको डेली अच्छे से फ्लोर क्लीनर आता है जो मार्केट में मिलता है, फ्लोर क्लीनर लगाकर उसमें पानी में डालकर हमको अच्छे से पोछा लगाना चाहिए, धोना चाहिए घर को, तो इससे क्या होता है कि जम्स वगैरह मर जाते हैं, जो भी जम्स वगैरह होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वी शुड कीप द किचन एंड बाथरूम क्लीन एंड ड्राई। हम लोग को बाथरूम और किचन वगैरह को एकदम साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि भीगा हुआ होना चाहिए। आपको पता है ना कि अगर ड्रेन इन द किचन एंड टॉयलेट शुड बी केप्ट क्लीन एंड सो दैट वाटर ड्रेन्स आउट कम्प्लीटली। देखो जो किचन वगैरह में जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, बहुत के घरों में किचन में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, मतलब कि इस तरह से लगा हुआ नहीं रहता है जाकर नाली वगैरह, ताकि पानी अच्छे से गिर सके। अगर हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, नाला अच्छा लगा हुआ है, तो आपके घर में अगर उसमें पोछा वगैरह लगा तो या पानी से धोते हो आपका बाथरूम या फिर टॉयलेट या फिर किचन वगैरह, तो क्या होगा कि उससे पानी जो होंगे अच्छे से सूख जाएंगे, आराम से उसमें ले लेगा और पानी तुरंत सूख जाएगा, ठीक है, भीगा हुआ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करना चाहिए। डस्ट कैरी जम्स, डस्ट जो होते हैं जैसे कि धूल वगैरह जो होते हैं उसमें जम्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। द डोर्स एंड विंडोज पेन कबोर्ड एंड सेल्फ इन द रूम शुड बी वाइप्ड एंड विद द डस्टर ऑलमोस्ट एवरी डे टू कीप द देम फ्री ऑफ डस्ट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम सिंपल लैंग्वेज में, आपके घरों में सेल्फ्स वगैरह होंगे ना, आलमीरा वगैरह होगा, ठीक है, तो आलमीरा वगैरह में देखते हो एक दिन या दो दिन में तुरंत धूल जम जाता है उसमें, ठीक है, तो डस्ट जम जाता है, डस्ट में क्या रहता है कि जम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको हमको डेली पोंछना चाहिए अच्छे से। कबर्ड वगैरह है, पेंस वगैरह है, विंडो का पेन है, ठीक है,
तो वो सब चीज़ों को हम लोग को डेली पोछना चाहिए ताकि उसमें जो डस्ट है उसको पोछ देंगे तो जर्म्स मर जाएंगे उसमें, ठीक है। अब देखो कर्टेंस, कर्टेंस मतलब पर्दा वगैरह हो जाता है, वायर नेट, वायर नेट मतलब पता है ना कि जाला जो घर में लगता है ना, किचन वगैरह में भी बहुत कोई दरवाजा में जाला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा आ सके प्रॉपर वे से, ओके, तो वही नेट्स होता है। एंड डोर एंड विंडो सूप डिप वॉस्ट एंड फ्रिक्वेंट इंटरवल, देखो उसमें क्या बोल रहा है कि उसका अगर आपका डोर और विंडोज़ में लगा हुआ है, कर्टेन हो गया या फिर वायर हो गया, वायर नेट्स हो गया, जाला वगैरह लगा हुआ है, तो उसको हम लोग को अच्छे से धोना चाहिए हमेशा, ठीक है, लगभग धोना चाहिए हर एक दिन। लिविंग अ क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड हाउस विल कीप अस हेल्दी, अगर हम लोग फ्रेश रहते हैं और वेल वेंटिलेटेड होता है, अच्छे से डोर होगा, अच्छे से दरवाज़ा होगा, वेंटिलेशन भी होगा, तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। हम लोग क्या कर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे अच्छे से, ठीक है बाबू। ये वाला देखो, ये वाला हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये एज अ होमवर्क है, आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो स्क्रीन शॉट लेकर इसको। अब चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते। सो अभी तक हम लोग हाउस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, हाउस के बारे में पढ़ रहे थे। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना था कि कहाँ पे हम लोग रहते हैं और क्या पहनते हैं। तो कहाँ पे रहते हैं और क्या, जहाँ पे रहते थे जो हाउस में हम लोग को रहना था, उस हाउस के बारे में हम लोग देख लिए टोटल चीज़ कि कैसे कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या होना चाहिए घर में कि अच्छा घर हो जाए, ठीक है। अब चलो हम लोग कपड़ा के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग क्या पहनते हैं, ठीक है, हम लोग क्या पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, क्लोथ जो होते हैं किस चीज़ से बना हुआ होता है, फाइबर से बना हुआ होता है। अब फाइबर्स मतलब समझना, फाइबर्स मतलब धागा, जानते हो ना, धागा से बना हुआ होता है, ठीक है। एक फाइबर होता है, एक फैब्रिक होता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है और फाइबर मतलब धागा होता है। जैसे कि आप मार्केट जाते हो शर्ट सिलवाने, कोई कोई होता है ना कपड़ा लेता है, एक शर्ट सिला सिलाया आता है, एक शर्ट कपड़ा का आता है पैंट सिलवाने का, तो जो उसमें रहता है उसको हम लोग फैब्रिक बोलेंगे और जो धागा मिलता है आपको वो हमारा फाइबर हो गया, ठीक है। तो किस चीज़ से बना हुआ होता है कपड़ा, फाइबर से बना हुआ होता है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पिक्चर को देखने के लिए बोल रहा है कि हैव यू, आपने कभी सोचा है कि ये सब जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये सब कैसे बनता है, किस तरह से बनता है ये सब चीज़, ये सब कपड़ा कहाँ से आता है, कैसे बनता है, चलो तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोथ किस चीज़ से बना हुआ होता है, फाइबर से बने हुए होते हैं, फाइबर्स मतलब धागा से बना हुआ होता है, और धागा कहाँ से आता है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, देखो फाइबर्स जो धागा होता है किस चीज़ से ऑप्टेन होता है, किस चीज़ से आता है, प्लांट से आता है और एक एनिमल से भी आता है। अब चलो प्लांट से कैसे आता है, एनिमल से कैसे आता है उसके बारे में देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ते हुए देखो, सम फाइबर्स आर ऑल्सो मेड बाय मैन, कुछ कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं कि जो कि आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स तो नेचुरल हो गए, तो हमको नेचर से आ रहा है, ये कोई आदमी के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। बट कुछ कुछ फैब्रिक ऐसे, फाइबर्स ऐसे होते हैं धागा कि जो कि हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, एक नेचुरल फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर्स कहने का मतलब है प्राकृतिक, जो कि हमको प्राकृतिक से आया, नेचर से आया, हम लोग ने उसको क्रिएट नहीं किया, वो भगवान के देन है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो फाइबर्स ऑब्टेन प्लांट्स और एनिमल्स से होते हैं उसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, क्लियर है। नेचुरल फाइबर कोई पूछेगा किसको बोलते हैं, तो नेचुरल फाइबर्स उसको बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमको मिलता है। और हमको देखो कॉटन, एक कॉटन कपड़ा पहनते हैं, हम गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। कॉटन कहाँ से आता है, कॉटन का प्लांट्स होता है, कैसे प्लांट्स होता है, सभी चीज़ों का प्लांट्स, हम लोग एप्पल्स का प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, रोज़ का प्लांट्स होता है, बहुत सारा फूल पौधा का प्लांट्स, उसी तरह से कॉटन का भी प्लांट्स होता है। देखो इस तरह से कॉटन का प्लांट्स होता है, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये हमारा कॉटन का प्लांट्स है। अब ये जो दिख रहा है वाइट वाइट, ये कॉटन है, इसको फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, फैक्ट्री में ले जाने के बाद इससे धागा बनाया जाता है, ठीक है, रस्सी बनाया जाता है, फिर रस्सी से कपड़ा बुना जाता है, कैसे हम लोग ऊन से स्वेटर वगैरह बुनते, उसी तरह से रस्सी से ये सब, देखो इस तरह का रस्सी होता है, धागा होता है, और इसको क्या करते हैं, फिर बुना जाता है, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं, ठीक है। कॉटन यूज टू मेक बेड सीट, कॉटन के, कॉटन से क्या क्या यूज किया जाता है बनाने के लिए, ठीक है, बेड सीट, हम लोग चादर वगैरह यूज़ करते हैं, बाथ टावल, जो हम लोग टावल धोते हैं ना कपड़ा उपड़ा नहाने के बाद टावल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो चीज़, गमछा वगैरह, ठीक है, जीन्स भी बनता है इससे, सॉक्स, मोजा वगैरह भी, टी शर्ट वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ऊल इज़ ऑप्टेन फ्रॉम शीप, और देखो ऊल जो है, ऊन जो है ये वाला, वो किस चीज़ से हमको आता है, शीप से, भेड़िया जो होते हैं ना, भेड़ी जो ऊपर में बाल रहता है, इससे भेड़ी का बाल कटिंग किया जाता है, हम लोग का कैसे बाल बढ़ जाता तो कट किया जाता है, इसका भी बाल बढ़ जाता तो कट किया जाता है, और फिर वही कटिंग को फैक्ट्रीज में ले जाकर उसको अच्छे से
प्रॉपर वे से करके उससे धागा निकाला जाता है, और धागा निकाल के फिर हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है ऊन, और इस ऊन से हम लोग क्या बुनते हैं, स्वेटर बुनते हैं। क्लियर हो गया बाबू? ये सब हमारा नेचुरल फाइबर था, ये सब क्या है, हमारा नेचुरल फाइबर। अब एक सिल्क भी आता है ना, सिल्क, वो भी हमारा नेचुरल फाइबर, वो सिल्क हमारा सिल्क वॉर्म से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है, ठीक है, वो पत्ता में रहता है। सिल्क वॉर्म के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। अब चलिए देखो, पीपुल लिविंग इन अ कोल्ड प्लेस, यहाँ पे देखो क्या बोले, व्हेन डू यू प्रीफेयर वेट वियर लाइट कलर क्लोथ्स एंड व्हाई। यहाँ पे बोले कि कब आप प्रीफेयर करते हो कि लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हो, कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, और क्यों पहनते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों पहनते हो लाइट कलर, मतलब कि हल्का कलर में, ठीक है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनना चाहिए, और कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए। कब पहनते हो, क्यों प्रीफेयर करते हो ये ज़्यादा पहनना, तो आपको पता है अभी गर्मी के दिनों है, तो इसको आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पीपल लिविंग इन अ कोल्ड प्लेस, जो लोग कोल्ड प्लेस ठंडा इलाका में जहाँ पे हमेशा कोल्ड रहता है वहाँ पे ज़्यादातर क्या पहनते, उलेन क्लोथ पहनते, उलेन क्लोथ मतलब कि ऊनी कपड़ा पहनते हैं। और जहाँ पे जो मतलब कि ज़्यादा ठंडा प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा प्लेस है वहाँ के लोग क्या करते हैं, फर से बना हुआ, फर कहने का मतलब कि एक याक एनिमल्स होता है जो उनका फर होता है, इस तरह से बाल होता है पूरा लगा हुआ होता है, ठीक है, याक सर्च करना ना नेट पे आ जाएगा, और भी एनिमल्स होते हैं जिनका फर रहता है इस तरह से, और फर का कपड़ा बनता है उनका, फर का क्लोथ बनता है, वही वो पहनते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है, तो वो ठंडा से बचने के लिए वो फर का ही बना हुआ चीज़ पहनते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो गेट फर फ्रॉम एनिमल्स, हमको देखो कौन कौन सा एनिमल से फर मिलता है, जैसे कि मिंग्स हो गया, रैबिट्स हो गया, वहाँ ये सब ठंडा प्लेस पे एक रैबिट होता है वो उसका फर आता है हम लोग का, ठीक है, तो उससे फर निकाल देखना ना, ठंडा प्लेस का सर्च करना आ जाएगा, मिंग्स के मिंग्स सर्च करना नेट पे आएगा आपको किस तरह का रहता है, ठीक है। यहाँ ऐसे हम आप फिगर में देख रहे हो, फिगर में हम दिखा दिए हैं, यहाँ पे स्वेटर, इससे क्या क्या बनता है, स्वेटर बनता है, मफलर बनता है, ब्लैंकेट्स बनते हैं, रग्स, कारपेट, ये सब बनाया जाता है, फेल्ट, ये सब उल से बनता है, ठीक है, ये सब हम लोग ठंडा के दिन में यूज़ करते हैं, ठीक है। उल इज़ ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व सोक वाटर, उल जो है ना ऊन, ऊन में अगर पानी वगैरह डालते हो, स्वेटर वगैरह में पानी हो, तो उससे वाटर उसमें सोख लेता है, ठीक है, वाटर उसमें क्या करता है, सोख लेता है। देखते हो ना जब स्वेटर धोते हो तो जितना भी पानी रहेगा बाल्टी में जब डालोगे स्वेटर, तो सारा पानी उसमें सोख लेता है। अब चलो आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर अभी जस्ट हम बोले थे कि कुछ कुछ एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं हमको, एनिमल्स और प्लांट छोड़कर हम लोग भी बनाए हैं कुछ कुछ फाइबर्स, ठीक है, तो अब कौन कौन सा वो फाइबर्स होता है चलो देखते हैं। सम फाइबर्स आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ कुछ फाइबर प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन नहीं होते हैं। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, जो कि उसको फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं, क्लोथ मिल्स में बनाए जाते हैं, ठीक है, क्लोथ मिल्स होते हैं वहां पे बनाए जाते हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिंथेटिक, इसको हम लोग आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जहां भी आए, आर्टिफिशियल फाइबर जहां भी आए, समझो कि वो हम लोग के द्वारा बनाए गए, वो नेचर से हमको नहीं मिला, उसको भगवान नहीं बनाया, हम लोग खुद बनाए हैं। वो कौन कौन सा है, नाइलन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब जो है ना, ये सब एग्जांपल है आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल फाइबर्स का, ये सब आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। थोड़ा सा इसका इस सब ये सब का रेट जो होता है, ये सब से कम होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब से कम होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला क्या है, ये फाइबर्स का आपका डायग्राम दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट की फाइबर्स में, फाइबर्स मतलब धागा, तो धागा दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल, जिसको ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल में एग्जांपल क्या है, नाइलन है, पॉलिएस्टर है, नेचुरल में क्या है, प्लांट्स फाइबर है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब नेचुरल फाइबर, ये सब देखो कॉटन हो गया, जूट, हेम्प हो गया, ये सब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स से हमको ये सब मिलता है। एनिमल्स फाइबर्स हमारा क्या है, ऊल हो गया और सिल्क हो गया, ये सब एनिमल्स से मिलता है, ऊल और सिल्क, ठीक ना। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आई होप कि वो लास्ट पेज, सो ये हमारा लास्ट पेज है। अब चलो हम इसमें देखते हैं, सम मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो कि रबर और प्लास्टिक से बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है ना कि उसमें वाटर अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है, वाटर अगर उस पर डालोगे तो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, कपड़ा को भिगाता नहीं है, इसको हम लोग वाटर प्रूफ मटेरियल्स बोलते हैं। वाटर प्रूफ कहने का मतलब कि पानी से हमको ना भीग पाए। बहुत सारे अभी चीज़ जैसे घड़ी वगैरह आते हैं, मोबाइल भी आने लगे हैं वाटर प्रूफ, उसको पानी में डालोगे तो आपको मोबाइल ख़राब नहीं होगा, घड़ी को डालोगे पानी में तो घड़ी ख़राब नहीं होगा, उस तरह से वाटर प्रूफ क्लोथ्स भी होता है, ठीक ना, जो कि कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब बरसात होती है ना, तो इस तरह का वाटर प्रूफ मटेरियल क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं, ठीक है। ये देखो बूट है, ठीक है, ये शूज़ ऐसा होता है, ये शूज़ हमारा इस तरह से होता है कि पानी, इसमें पानी
कितना भी पानी आएगा तो कोई ख़राब भी नहीं होता है ये, और किसी तरह का हमको अंदर भीगने नहीं देगा, ठीक ना। और ये हमारा रेनकोट है, रेनकोट आप लोग डेली यूज़ बरसात के दिनों में यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो रेनकोट भी से हम लोग बचे हुए रहते हैं, पानी से अंदर हमारा कपड़ा वगैरह भीगता नहीं है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स वी वियर, हम लोग को अपना क्लोथ जो हम लोग पहनते हैं उसको टेक केयर, अच्छे से देखभाल करना चाहिए, जो भी क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे भी है कपड़ा गंदा है तो गंदा ही पहन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, आयरन क्लोथ पहनना चाहिए। आयरन क्लोथ कहने का मतलब कि आयरन दिया हुआ क्लोथ पहनना चाहिए, ठीक है। आयरन देने से क्या होता है क्लोथ्स में, जैसे कि आपके घर में अगर क्लोथ्स रखा हुआ है उसको डायरेक्ट पहन लेते हो तो उसमें जम्स वगैरह होंगे ना, तो जम्स वगैरह होंगे तो फिर आप पहन लिए तो आपके शरीर में चले जाएंगे, फिर दिक्कत होगा। उससे आयरन अगर दे दोगे तो जम्स वगैरह मर जाते हैं, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे की पॉइंट्स है, वर्ड्स टू नो, ये सब आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी और चैप्टर पढ़ने का मन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हम उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है डियर। और यहाँ इजी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि सभी बच्चे को समझ में आए, ठीक है, सभी बच्चे को समझ में आए, इंग्लिश मीडियम वाले को भी, हिंदी मीडियम वाले को भी, जो भी है सभी को समझ में आए, ठीक है डियर। सो बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सेफ।